तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो भाई मुझे बहुत लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं करके आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। भाई बहुत लोगों का कहना है जो कैट जो है अपने किटन्स देती है तो उनमें से एक आधा खा लेती है ये। तो भाई ये एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हो चुका है तो करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब तक तो ये कैट के साथ तो मेरे हुआ नहीं। जो मेरे कैट के साथ हुआ था तो असल में उसकी डेथ हो चुकी है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो भाई मैं बताता हूँ आपको क्यों ऐसा करती है कैट्स। तो भाई जब किटन्स देती है वो या मैक्सिमम 4 से 5 किटन्स देती है जब, तो भाई एक तो उसको भूख लगती है तो उसकी वजह से वो एक आधी किटन्स खा लेती है वो, या तो फिर उसको कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स की कमी रहती है भाई, तो इसलिए वो खा लेती है किटन्स को। तो भाई मैं कहना चाहूँगा आपको कि भाई सबसे पहले आप कैट की मल्टी विटामिन और कैल्शियम के बारे में ध्यान दें, उसके ऊपर काम करिए आप। इंशाल्लाह कैल्शियम और मल्टी विटामिन रहा तो इंशाल्लाह उसको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। क्योंकि अक्सर भाई 4 से 5 जब किटन्स होते हैं तो एक आधी तो खाइश लेती है वो, क्योंकि उसको वो टाइम पे बहुत भूख लगती है, आप केयर नहीं करते उसकी, दिखते नहीं हो, या तो कोई किटन्स कभी कमज़ोर है तो मदर को मालूम रहता आगे चल के ये नहीं रहने वाला है, तो उस वजह से भी वो खा लेती है उसको। पर आप मल्टी विटामिन और कैल्शियम का कभी ध्यान रखें, आप उसका मल्टी विटामिन और कैल्शियम पूरी करें तो इंशाल्लाह वो नहीं खाएंगी, मतलब आपके 90% चांसेस बचेंगे। या तो फिर कोई कैट समझो साइको है या मेंटली कुछ डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से भी वो किटन्स को एक आधी किटन्स को खाती है। क्योंकि भाई जब डिलीवरी का टाइम रहता तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है कैसा करना। तो भाई आप उस पे ज़्यादातर ध्यान दीजिए, एक तो मल्टीविटामिन और कैल्शियम के ऊपर, तो इंशाल्लाह आप कि कैट किटन्स नहीं खाएंगी। क्योंकि बहुत जने मल्टी विटामिन कैल्शियम देती नहीं है उसको करके खाली किटन्स खा लेती है। तो भाई हमारे भी हमारी किटन्स बता तो अल्हम्दुलिल्लाह से फुल अच्छी क्वालिटी में है वो। जो ये देखिए भाई अभी तो जगह शिफ्ट कर दी इनने, क्योंकि जगह शिफ्ट करी इनने को बच्चों को घर बतानी है वास्ते और रूम। तो देखिए भाई अभी तक ये देखिए भाई, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह से 5 किटन है हमारे, तो माशाल्लाह से उनकी थोड़ी थोड़ी भी आँखें खुल चुकी है। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द वो बाहर निकलना चालू हो जाएंगे तो आपको भी उसकी वीडियो आ जाएंगी। जब तक के हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए भाई। भाई बहुत जने वीडियो देख रहे हैं पर लाइक नहीं कर पा रहे हैं भाई, तो जल्द से जल्द अच्छे से अच्छी वीडियो के वास्ते आप मुझे सपोर्ट करिए। और भी इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उससे भी आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज डालिए, कॉल करिए, या तो आप कमेंट भी डाल के पूछ सकते हो मेरे से। तो शुक्रिया भाई।